हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल सा भाषा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मीन्स हो गया क्या ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाते हैं तो पोटेंशियल को भी से भी दिखाते हैं, तो ई भी और में क्या क्या रिलेशन है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग को उसके बाद टेम्परेचर इट मीन्स इसको हम लोग टी से दिखा दें, एंड हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, या हम लोग कैसे कंसंट्रेशन इसमें हम लोग लेते हैं, और ये जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है ये कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का जो किस चीज में भाग लिया है इलेक्ट्रोड रिएक्शन से जो संबंधित है, तो कंसंट्रेशन। इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया। सबसे पहले देखो यहां तीन चीज है तुमको, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहला टेम्परेचर टी और कंसंट्रेशन इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन आयन से रिलेटेड हम लोगों को है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व है उस कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उस कंसंट्रेशन का इसके बीच रिलेशन को जो शो करेगा। अब रहा बात, तो बातें तो क्लियर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस तीनों के बीच रिलेशन, तो इलेक्ट्रोड तो किसका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा, इलेक्ट्रोड का होगा। तो पहले अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कोई इक्वेशन बनाने, सबसे पहले इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं, सपोज दैट हम लोग एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, मान लो हम लोग एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं Mn+ = m, मान लो यह हम लोग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड तो हम लोग को लेना होगा, तभी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोड जो लिए है, इस इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी दिखा देते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए रहे हो कि हम लोग का सिस्टम है Mn+ = 2, हम लोगों को हो गया Ms, और यहाँ N+ चार्ज था वो भी खत्म हो गया, तो N+ को खत्म करने के लिए N- लाना होगा, और N- के लिए यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्लियर है? अब देखो, तो ये से हम लोग को इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन या दिस इलेक्ट्रोड हम लोग कह सकते हैं ये। अब बात रही कि हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो तो नर्नेस्ट इक्वेशन है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन अब क्या शो कर रहा है उस चीज को समझ। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मीन्स ई Mn+ = m का बराबर होगा E₀ Mn+ = -RT/NF, और ये हो गया Ln कंसंट्रेशन ऑफ Ms मतलब सॉलिड फेज में मेटल, अब बाय हो गया Mn+ = aqueous। ये नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म है। अब देखो इसमें सबसे पहले तुमको यहां पर ये देखना है कि जो रिलेटेड टर्म्स दिखाया गया है उसमें एक ऑपरेटर लगा हुआ है, कौन सा Ln एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब हो गया जैसे रूट हो गया, ये भी एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब 16, ये बराबर कितना हो गया 4, उसके साथ साथ मान लो ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, कैसे ऑपरेट करेगा, तो 2 और 3 को देंगे तो कितना बना देगा, इसको 6 बना देगा। तो उसी तरह से ln log ये सब भी मैथमेटिक्स में हम लोग ऑपरेटर के रूप में इसको जानते हैं, ये हम लोग को। अब इसमें क्या है कि इस इक्वेशन इसी इलेक्ट्रोड के लिए Mn+ = 2 अगर m बराबर तुम कर रहे हो, फिर E₀ Mn+ = m, और ये रिलेटेड अगर ln को लॉग में बदल लेंगे तो लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा NF, और ये हो गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ms बटे हो गया Mn+ = aqueous कंसंट्रेशन।
अब देखो, अब तुम इक्वेशन को अगर ध्यान दोगे तो इक्वेशन में तुम ये देख रहे हो, यहां पर देखिए बात रही, ये तो सबको जान रहे हो। अब इसमें टर्म्स की बात रही तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ई जीरो क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद यह 2.303 कॉन्स्टेंट। आर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। उसके बाद टी एक टेम्परेचर है, आर भी हम लोग को क्या है, एफ क्या है, कॉन्स्टेंट है। और हम लोग यहां पर देखें, अगर इस टर्म पर हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो इस टर्म पर तुमको ध्यान दो, ये वाला टर्म। अब इस टर्म में हम लोगों को सबसे पहले ये जितना हम लोग टर्म लिखे हैं, सबसे पहले तो प्रत्येक का हम लोग मीनिंग जान ले कि क्या मीनिंग है इसका। तो हम लोगों को इसमें कह सकते हैं वेयर है, वेयर करके ई एम एन प्लस टू एम, ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सीधे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब उसके बाद तुमको हो गया ई जीरो एम एन प्लस टू एम, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख लो सब पीछे वाला टर्म सभी रिपीट हो रहा है, इतना पोटेंशियल हो गया, देख रहे सबको। अब उसके बाद फिर अगला टर्म कौन सा है, आर। आर को हम लोग कहते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट का मान हो रहा है 8.314 है, और इतना जूल पर केल्विन पर मोल होता है इसका वैल्यू, जो हम लोग पीछे सॉल्यूशन कांस्टेंट के रूप में भी देखे थे, किसमें हम लोग जो इक्वेशन वांट ऑफ इक्वेशन वहां पर भी आर देखे थे। अब देखो फिर R के बाद यहाँ पर आ गया T, और यह T हम लोगों को ताप है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में होनी चाहिए, केल्विन में। उसके बाद हम लोगों को फिर है N, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल रिएक्शन होगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होगा, और कितना इलेक्ट्रॉन उसमें लॉस गेन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को बता रहा है कौन, एन। उसके बाद रहा फिर देखो यहां पर है एफ, एफ को हम लोग कहते हैं फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया यह कांस्टेंट का कुछ न कुछ मान होगा, और यह 96,500 कूलम पर मोल होता है, सी कूलम और मोल माइनस वन इट मीन्स पर मोल, यह हो गया। उसके बाद और टर्म हम लोगों को है फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एम, ये हम लोग को बड़ी ब्रैकेट किस चीज को बता रहा है, कंसंट्रेशन को और मेटल का। तो अब तुम सेल के रिएक्शंस को देखोगे तो वहां पर क्या है, देख लीजिए एम एन प्लस एक्वस, यहाँ पर देख लीजिए एम एन प्लस एक्वस, एन इलेक्ट्रॉन करके किसमें मेटल में बदला है, और यह रिएक्शन कहाँ हम लोग को, कैथोड रिएक्शन है, और कैथोड रिएक्शन में जो मेटल होगा वो कैथोड पर जमा होगा, तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं यह हो गया मेटल किस पर, इलेक्ट्रोड पर जमा, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिपोजिटेड मेटल इट मीन्स जो जमा तुमको मेटल है उसका यह कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन इसी में दूसरा जो टर्म है एम एन प्लस एक्वस, देख लो ये क्या चीज हो गया, एम एन प्लस एक्वस, ये एम एन प्लस एक्वस हम लोग को आयनिक फॉर्म में है, देख ही रहे हो आयनिक फॉर्म में हो गया, तो यह हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन हो गया यह कंसंट्रेशन। और यह कहां पर है, किससे प्राप्त होता है, तो एम एन प्लस कैसे आता है, यह इलेक्ट्रॉन लॉस से आता है, तब ने एम ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या, एम इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, एम एन प्लस कैसे आता है, इसकी बात हो रही है, एम एन प्लस कैसे आता है। अब एम एन प्लस कैसे इसमें बदल रहा है वो रिएक्शन यहां देख रहे हो किससे हो रहा है, गेन से। तो यहां पर हम लोगों को एम एन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन हो गया ये। अब देखो इसमें सब टर्म का अर्थ और सारा इस बात का ध्यान,
बेटा दे आप मनीष कुमार चल अब ध्यान दो साहब फिर अब हम लोग इसमें अभी देख लेंगे प्रत्येक भाग का क्या मीनिंग है प्रत्येक टर्म्स का क्या मीनिंग है। अब जो हम लोगों को इक्वेशन का फॉर्म है वो तो ई एम एन प्लस टू एम और बराबर ई ज़ीरो तुमको हो गया एम एन प्लस टू एम इट मीन्स स्टैंडर्ड हम लोग को पोटेंशियल या कह सकते हैं और उसके बाद फिर आर 2.303 आर टी बटे एन एफ और यहाँ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एस बटे एम एन प्लस एक्वस ये हम लोगों को कंसंट्रेशन है। अब देखो ध्यान दो अब इसमें अगर तुम देखोगे एक भाग पर यहाँ पर ध्यान दो हम लोग को 2.303 है ये एक नंबर है कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं आर भी कांस्टेंट और हम लोग को एफ भी फेराडे कांस्टेंट अभी जस्ट हम लोग लिखे। अब इसमें अगर टेम्परेचर हम लोग एक निश्चित टेम्परेचर ले ले तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और यहाँ जो तुम देख रहे हो ये डिपोजिटेड मेटल है मतलब जमा जो धातु हम लोगों को कैथोड पर है वो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर फोर प्योर मेटल अगर तुम्हारा मेटल शुद्ध हो इसको मतलब शुद्ध धातु के लिए ये शुद्ध धातु के लिए अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे प्योर मेटल के लिए तो ये जो कंसंट्रेशन है ms यह हो जाता है 1। कंसंट्रेशन मोलैरिटी या रिलेटेड टर्म्स जो हम लोग पीछे एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर फिर देखो अब बात करें हम लोग एट टी बराबर 298 केल्विन मतलब हम लोग टेम्परेचर को भी निश्चित कर लिए कितना 298 केल्विन। तो अब अगर टी का यहाँ पर कांस्टेंट हो गया आर ये और ये सब तो कांस्टेंट पहले से है तो इसका मतलब हो गया कि 2.303 आर टी बटे एफ यह सब कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान एक कांस्टेंट होता है 0.0591 ये तुमको कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट। अब बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो रिलेटेड कांस्टेंट मान है इसको अगर हम लोग संबंधित इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन का फॉर्म और स्टैंडर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अब ई एम एन प्लस टू एम बराबर ई ज़ीरो एम एन प्लस टू एम और माइनस ये वाला भाग हम लोग को 0.0591 बटे एन तो रही जाएगा क्योंकि एन हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसकी संख्या। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर ये हो गया तुमको लॉग और ये वाला जो टर्म है ये तो 1 हो गया प्योर मैटर के लिए तो 1 बटे हम लोगों को एम एन प्लस और क्या आ गया एक्वस कंसंट्रेशन ये टर्म हम लोगों को। तो यहाँ पर जो हम लोग ये टर्म्स देख रहे हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को हो गया ठीक है। अब इसी में अब तुम आगे बढ़ोगे मान लो तुमको इसके जगह कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड हो या हम लोग कह सकते हैं गैसियस मटेरियल हो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर 4 ले लेते हैं मान लीजिए पीटी और एच प्लस एक्वस 2 हम लोग को हो गया एच टू हम लोगों को किस स्टेट में होगा गैसियस स्टेट। अब मान लो ये हम लोग को यहाँ तक वाला भागा अब हम लोग इसमें कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट गैसियस के लिए हम लोग को निकालना तो गैसियस के लिए हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को पहले इसके लिए अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो एच प्लस एक्वस ठीक और यहाँ पर हम लोग का हो गया एच टू गैस हाइड्रोजन एक है इसके लिए हम लोग को हाफ से कर दे यहाँ पर। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूट्रल हो गया एक प्लस चार्ज तो इसका मतलब निश्चित रूप से कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा एक इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को ऊपर के रिप्रेजेंटेशन से ये हम लोग को रिएक्शन आया। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते हैं तो E यहां पर हो जाएगा H प्लस टू एच टू गैस बराबर हो गया E जीरो यहां पर देखो फिर MN प्लस टू M है MN प्लस टू M तो इट मीन्स हो गया यहां पर फिर H प्लस टू एच टू और माइनस 0.0591 अब बाय हो गया तुमको n और n का मान भी यहाँ मालूम है कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है
वन और उसके बाद यहाँ पर लॉग, फिर हो गया देखो एम एस। एम एस हम लोगों को कहाँ पर प्राप्त हुआ था, प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ क्या है एच टू, और एच टू किस फॉर्म में है, गैसियस। तो गैस को हम लोग कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर के रूप में दिखाते हैं, तो यह हो जाएगा प्रेशर ऑफ एच टू। और यहाँ जो ये नंबर होता है, ये नंबर यहाँ पर तुमको पावर के रूप में होता है। उसके बाद हम लोगों को फिर ये वाला जो भाग होगा, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एक्वस, इट मीन्स ये कंसंट्रेशन के टर्म में ही होगा। हम लोगों को अगर इस तरह से जो गैसियस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे हम लोग, वो होगा तो हम लोगों को ऐसे आ जाएगा संबंधित इक्वेशन, ना नेक्स्ट इक्वेशन। और इसी में फिर हम लोग ले लें अगर बात करते हैं, तो देखो हम लोग अभी बात किए, जैसे हम लोगों के पास जो इसको सामान्य रूप से जो ये हम लोगों को है, इसको हम लोग सामान्य रूप से और कैसे एक्सप्रेस करें। तो हम लोगों का जो ऐसे अभी जो इलेक्ट्रोड लिए थे एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स हो गया तुमको क्या एम एन एम एस, ये हम लोगों को वहाँ पर बोथ साइड एरो दे देते हो सकता नहीं दिए होंगे वहाँ पर देख लेना। तो एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स इतना है। अब देखो ये जो एम एन प्लस आया है ये कैसे आया था, ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से? नो, दिस इज ऑब्टेंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। एम एन प्लस प्लस चार्ज कैसे आया, लॉस से ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ये हम लोगों को कौन सा फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। देखो समझना होगा बातों को, समझना ना, एकदम आराम से हमारा हाथ एकदम कॉन्फिडेंस से चल रहा है, बातों को हम आराम से रख रहे हैं और खूब प्रैक्टिस कराए, दो दिन रुक भी गए हैं जहाँ पर रुकने की ज़रूरत थी, सबसे बनवाए, क्वेश्चन भी दिए, सॉल्व करवाए, घर से भी सॉल्व करने के लिए बोले और तब बता रहे हैं। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और यह एन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन द्वारा ये प्राप्त होता है। तो इट मीन्स यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिडक्शन हुआ ना, रिड्यूस्ड फॉर्म प्राप्त हुआ। अगर जनरल रूप में हम लोग लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में दिखाना चाहे तो यहाँ है एम एन प्लस एम, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिस इलेक्ट्रोड का होगा उस इलेक्ट्रोड को लगा देंगे। तो इट विस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाए, बराबर यहाँ पर क्या हो गया ई जीरो, फिर जो इलेक्ट्रोड होगा वो लगाएंगे, अभी जनरल फॉर्म में दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर है यहाँ माइनस 0.0591, अब बटे कितना इलेक्ट्रॉन एन। अब यहाँ पर है लॉग, ऊपर देख लो एम एस, एम एस का मतलब हो गया कौन सा फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन इसको। अब बाय हो गया फिर कौन सा फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया फॉर्म ये। अब तुमको यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया, एक जनरल ढंग का इक्वेशन हो गया, एक जनरल ढंग का इक्वेशन, ठीक है। ये तो पूरा हम लोग यहाँ तक एक्सप्लेन कर लिए, अगर जनरल रूप में ऐसे भी दिखा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अगर तुमको इनर्ट इलेक्ट्रोड गैसियस इलेक्ट्रोड के लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जो उसका सामान फॉर्म ये है, इसमें रिलेटेड जो वैल्यूज इत्यादि है वो तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हम लोग ये कैलकुलेशन किस टेम्परेचर पर लिए है, इतना पर, और कुछ जो टर्म्स इत्यादि है जिसको तुमको ध्यान में रखना है वो हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये पूरा का पूरा तुमको नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक्सपा, अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देखें, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर देख लो फिर से समझ लो इसको। यहाँ पर देखिए एम एन प्लस, मतलब ये प्लस चार्ज वाला है। तो अब पूरे सेल रिएक्शन को एक बार तुम देखो, सेल रिएक्शन में कैसे हो रहा है कि सेल रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है, एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एम एन प्लस आया, ऐसे है ना। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन लॉस से, मतलब किससे प्राप्त हो, ऑक्सीडेशन से ना, इसीलिए इसको लिखे हैं क्या, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब अगला रिएक्शन कैथोड का क्या होता है, ये जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ये एन इलेक्ट्रॉन लेके बदल जाता है किसमें, एस में। तो एन इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसका कौन सा फॉर्म हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म। इसीलिए उसको कह दिए कि यहाँ जो तुम ये एम एन प्लस इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म कर दीजिए, और ये जो प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन गेन से इसको रिड्यूस्ड फॉर्म। तो बात जनरल रूप में यह है कि जो रिड्यूस्ड वाला इस साइड वाला है उसका कंसंट्रेशन ऊपर, और जो इस साइड वाला उसका कंसंट्रेशन नीचे, ऐसे देकर हम लोग निकालते हैं।